यहाँ पे आज क्लीनिंग किए हैं, चिमनी का जो फिल्टर होता है ना उसको क्लीन किए हैं, तो इसको ना हाथ वाथ से धोने का जरूरत नहीं है। और ये वाला बेस्ट है कि डिशवाशर में डाल देते हैं और ये देखिए कितना अच्छा से क्लीन हो जाता है। अगर आपके पास डिशवाशर नहीं है, अगर आप डिशवाशर में नहीं डालना चाहते हो, तो इसको बेकिंग सोडा वेनीगर वगैरह से साफ कर सकते हो। नॉर्मली आप बेकिंग सोडा से बहुत अच्छा क्लीन होता है, तो ये वाला ना आसानी से मेरे डिशवाशर में आ भी जाता है एकदम, और इसका साइज भी बहुत अच्छा है, परफेक्ट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, मंथ में तो एक बार साफ करते ही करते हैं। और ये ना पहले वाला जो घर में था ना, वो ना खरीदना पड़ता, उसके अंदर ना जैसे फिल्टर में ना पेपर जैसा कुछ लगता था, वो बार बार ना 2-3 यूरो में खरीदना पड़ता है। लेकिन इस घर में हम अपना ये लगाया ना कि इसको फिल्टर को निकालो, बस ना डिशवाशर में दे दो, अगर नहीं डिशवाशर में डालना है तो हाथ से क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए, ये पूरा तीनों पार्ट हमारा क्लीन हो चुका है। चिमनी के फिल्टर के साथ ना यहाँ पे बर्तन वाला जो स्टैंड होता है जिसपे बर्तन डालते हैं, इसको भी डाल देते हैं, क्योंकि मशीन हमारा पूरा खाली रहता है और चिमनी का फिल्टर ना बस उसको ही सिर्फ डालते हैं, क्योंकि बर्तन नहीं डालते, क्योंकि उसमें इतना ऑयल रहता है ना, पूरा बर्तन ना चिप चिप करने लगता है, तो सिर्फ उसी को क्लीन करते हैं। तो उसको निकाल चुके हैं और अच्छे से क्लीन हो गया। इसको ना अच्छे से टिशू से ना आपको वाइप कर देना है, ताकि ना पानी नहीं लगे रहे। और फिर फिल्टर के अंदर का पार्ट जो है ना, उसको भी आप ना सूखा कपड़ा से पोंछ दीजिए। तो ये मंथ में ना आपको करना चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि एक मंथ में ना करें और 4-5 मंथ में करिएगा ना, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्लीन करने में। तो यहाँ पे हमारा फिल्टर मस्त चमाचम साफ हो चुका है, देख सकते हैं।